नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है डेट्स से संबंधित। देखिए, आज फिर से हमारे पास 3 दिन है महत्वपूर्ण। सबसे पहला पहला जो हमारे पास दिन है वो है 8 और 9 मई, मतलब 2 दिन मनाया जाता है, एक साथ ये मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति और सम्मान के लिए दिन, ये 2 दिन घोषित किए गए हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि ये ऑफिशियल कोई डेट नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, आपको पता है, जापान ने बहुत समय तक अपनी हार नहीं मानी थी। अगस्त तक चीजें क्या हो गई थी, खिंच गई थी। इसीलिए बहुत ज्यादा ये दिन फेमस नहीं है, मेरे हिसाब से पूछा जाना नहीं चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण दिन देखिए, दूसरा हमारे पास महत्वपूर्ण दिन है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। आपने देखा है अधिकतर व्यक्ति क्या करते हैं, एक प्लस का साइन लगाकर रखते हैं रेड कलर का, ऐसा। ये रेड क्रॉस का ही सिंबल है, ये डॉक्टर का सिंबल नहीं है। डॉक्टर का सिंबल अलग से होता है, एक अलग से ऐसी तलवार सी रहती है और उसमें ऐसे सांप सा गोल गोल सा घूमा रहता है, उसे कहते हैं डॉक्टर वाला सिंबल। हालांकि धीरे धीरे अब लोग क्या होते जा रहे हैं, इस विषय पर अवेयर होते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अब ये वाला सिंबल आपको कारों में मिलने लगा। लेकिन जो आम जनता है वो नहीं, जो आम जनता ये जो प्लस वाला साइन है, जो रेड क्रॉस का सिंबल है, उसे लोग सोचते हैं कि क्या ये डॉक्टर का सिंबल है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये मनाया जाता है 8 मई को। क्यों मनाया जाता है, जो इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूरेंट, है ना, ये क्या है भाई, नोबेल प्राइज इन्हें मिला है शांति का, है ना। तो हेनरी ड्यूरेंट की जो जो जन्म तिथि है वो 8 मई 1828, इसी की याद में रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण ये है कि मानवता की सेवा के लिए, आम जनमानस की सेवा के लिए, युद्ध के समय पर, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने पर, मानव जनित आपदा आने पर, मानवीयता का एक ध्येय वाक्य लेकर, मानवता को सामने रखकर ये रेड क्रॉस क्या है, आप देख रहे हैं, है ना, कब इसकी स्थापना, 1863, इतने लंबे समय से काम करता आ रहा है। इसीलिए 3 बार इसे नोबेल का पुरस्कार दिया जा चुका है, 1917, 1944 और 1963। इसी से आप इस रेड क्रॉस की प्रश्न आने की गंभीरता को समझ सकते हैं। एक बार ही किसी को नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक आपका प्रश्न का विषय बन जाता है कि किसी भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो यहाँ तो इस संगठन को 3-3 बार नोबेल प्राइज मिले हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि कितनी बार इसे नोबेल प्राइज मिला, वो भी एक बार नहीं, बार बार क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए, इसकी स्थापना, इसके लिए इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था ICRC, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, जेनेवा में इसका मुख्यालय। और मैं आपको बता चुका हूं 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, जो 1963 में है। ये इसका एक और संगठन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट, इसके साथ में इसे क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट जो हमारे पास 8 में वह है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ये भारत देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको इस बीमारी को समझना पड़ेगा। देखिए, थैलेसीमिया जो बेसिकली बीमारी है वो है ब्लड से संबंधित। ब्लड में मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स, RBC और WBC और प्लाज्मा, 4 कंपोनेंट थे जो सबसे महत्वपूर्ण पाए जाते थे। उसमें से ये जो बीमारी है, यह है RBC, रेड ब्लड सेल्स से संबंधित। आपको मैंने बताया था रेड ब्लड सेल्स, है ना, इसकी जो उम्र रहती है वो होती है 20 से लेकर लगभग 120 दिन के आसपास। और जो इसका मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब आयरन से संबंधित। अब यहां पर होता क्या है, अगर ये बीमारी हो जाती है थैलेसीमिया, तो ये जो आपकी आरबीसी है वो जल्दी नष्ट हो जाती है। मतलब जिसको 120 दिन जिंदा रहना था वो सिर्फ 20 से 25 दिन में क्या हो जाती है, आरबीसी मर जाती है। सीधी सी बात है, अगर आरबीसी ही मर जाएंगी तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का, वो कौन करेगा। इसलिए धीरे धीरे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अच्छी बात देखिएगा यहाँ पे, बेसिकली अगर इस बीमारी में जाएं, अंदर डेथ में जाएं, तो 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। एक मिलता है मेजर और एक मिलता है माइनर। ये क्या होता है, मेजर का मतलब ये है कि मैं खुद भी क्या हूं, थैलेसीमिया से पीड़ित हूं, और जो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी थैलेसीमिया से पीड़ित होगी। और माइनर में क्या होता है, मैं एज अ कैरियर, एक ह्यूमन एज अ कैरियर, मतलब मेरे अंदर किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन ये बीमारी मेरे अंदर मौजूद है, मेरे जीन्स में। तो जो मेरे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसको ये ग्रसित करने वाली है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे दोनों के दोनों मेजर हैं, दोनों के दोनों मेजर मतलब जो मेल है और जिसकी शादी में फीमेल, वो दोनों के दोनों मेजर हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ जाती है, संभावना बच्चे की क्या बनने की, मेजर होने की, है ना, ये बहुत बड़ी। और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है भाई, ये 50% है ऐसा ये बच्चा क्या होगा, माइनर से पीड़ित होगा, मतलब वो एज अ कैरियर काम करेगा। 25% प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो क्या होगा, मेजर होगा। और 25% प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो
क्या होगा, किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि या तो शादी से पहले या बच्चा पैदा होने के पहले आप क्या कर लें, थैलेसीमिया का चेकअप करवा लें। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर कंपलसरी है थैलेसीमिया का चेकअप, लेकिन भारत देश में ये बीमारी काफी लोगों को है, लेकिन लोग इस बीमारी से अवेयर ही नहीं है। इसीलिए वो क्या रहते हैं, एज अ कैरियर कभी कभी काम करते हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं रहते, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये बीमारी देखने को मिल सकती है। ये वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस मनाने की शुरुआत 1994 से हुई थी। टीआईएफ थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। तो भारत देश के लोगों के लिए यह दिवस क्या है, महत्वपूर्ण है। या तो सरकार ही इसे कंपलसरी कर दे और या तो आम जनता इतनी अवेयर हो कि थैलेसीमिया से थैलेसीमिया पीड़ित, मतलब किसी थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति का थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति से शादी ना हो, अन्यथा बच्चे क्या हो सकते हैं, इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। हम चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। चलिए देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष संजीवनी ऐप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आयुष संजीवनी ऐप आयुर्वेदिक से संबंधित। आपको पता होगा ऐसा ही ऐप कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था जिसका नाम था आयुष कवच कोविड ऐप। तो याद रखिएगा, आयुष संजीवनी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से है और आयुष कौन सा वाला, कवच कोविड, ये उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। आपको याद होगा स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक कोविच इंडिया सेवा भी ऐप एक लॉन्च किया गया था। इसके अलावा भारत सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण ऐप है वो है आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे। आगे देखिए तमिलनाडु ने क्या किया है, तमिलनाडु ने अपने यहाँ की जो रिटायरमेंट की एज है वो कर दी है 59 ईयर। जो स्टेट सर्विसेज के लोग रहते हैं वही, अभी तक कितनी थी, 58 थी, अब कर दी है 59 ईयर्स। जैसे कि मध्य प्रदेश में कितनी थी, 60 साल थी, और जाते जाते शिवराज सिंह चौहान ने कितनी कर दी थी चुनाव के पहले, 62, वैसे यहां पर कर दी 59। तमिलनाडु में आपको पता होगा कुछ दिन पहले मोदी किचन की भी शुरुआत की गई थी, जो फ्री में खाना बांटा जा रहा था। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है उनका नाम है पलानी स्वामी और जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं भाई। हम देखते हैं क्या, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इनकी जो गुडविल एम्बेसडर थी दिया मिर्जा, 2020 में इनकी डेट खत्म हो रही थी, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब UNEP की 2 साल के लिए फिर से गुडविल एम्बेसडर चुन ली गई है, कौन, दिया मिर्जा। मैं बताना चाहूंगा गुडविल एम्बेसडर को किसी भी प्रकार का कोई सैलरी नहीं दी जाती, पे नहीं किया जाता एज एम्बेसडर। हाँ, ये जरूर है कि वो कहीं पर भी घूमते फिरते हैं तो TADA उनको प्रॉपर बकायदा दिया जाता है, फ्री सेवा है ये, ठीक है। लोगों को क्या करना, जागरूक करना। यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसके जो प्रमुख है वो है एंगर एंडरसन, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश सरकार डोर टू डोर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डोर टू डोर मध्यान्ह भोजन का राशन पहुंचाने वाला भारत देश का पहला राज्य बन गया। आपको पता है कि स्कूलों में छोटे बच्चों को क्या दिया जाता है, मिड डे मील योजना, दोपहर में भोजन दिया जाता है, क्योंकि लॉकडाउन की व्यवस्था है, सारे स्कूल क्या है, बंद है, इसीलिए अब वो जो राशन है जिससे बनता था, अब वो राशन ही कहाँ पहुंचाया जाएगा, घर पहुंचाया जाएगा बच्चों के। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, राज्य के पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, इनके माध्यम, जो लोकल टीचर्स हैं, उनके माध्यम से राशन पहुंचाया जाएगा। पहला राज्य है ये भारत देश का, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको पता होगा कि कौन सा अभियान चला था, जीवन अमृत योजना, त्रिकुट चूर्ण बांटने की बात आई थी, और जीवन शक्ति योजना, 3 योजनाएं आ गई आपके पास, मतलब एक रिकॉर्ड और 2 योजनाएं मध्य प्रदेश की करंट से संबंधित। मध्य प्रदेश के बच्चे विशेष ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, वंदे भारत मिशन किस लिए, भारत सरकार ने क्या किया है, जो विदेशों में जो भारतीय फंस गए हैं उनको एयर रूट से वापस लाने के लिए ये वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसे लॉन्च किया गया था। ये जहाज से संबंधित, पानी के जहाज से संबंधित था, जिसमें 2 महत्वपूर्ण जहाज थे, INS जलश और INS मगर। तो जो समुद्र सेतु था वो क्या था, वाटर से संबंधित था, और ये जो वंदे भारत मिशन है एयर रूट से संबंधित है। दोनों हैं, समुद्र सेतु मालदीव गया था और ये हमारा एयर रूट से 15,000 से ज्यादा लोगों को भारत देश बुलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम बदल के तोमान कर दिया। ईरान की जो मुद्रा थी उसका नाम था रियाल, है ना, और अब जो उन्होंने बनाई है तोमान और वो होगी 10,000 रियाल के बराबर। देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है।
रियाल 10,000 रियाल बराबर 1 तोमान। तो मुद्रा स्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गई थी, आपको पता है ईरान और यूएसए के बीच का कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये नई ना चाहते हुए भी करेंसी लानी पड़ी है ईरान को। ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान है, जो राष्ट्रपति हसन रोहानी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास मौसम विभाग। मौसम विभाग क्या कर रहा है, मौसम विभाग जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, आपको पता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान में क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका और मुजफ्फराबाद वाला इलाका, इनके लिए भी अब फॉरकास्टिंग करेगा मौसम विज्ञान विभाग हमारा, है ना, भारत देश का। अभी तक ये नहीं करता था, अभी तक ये जो हमारे पास हिस्सा है जम्मू कश्मीर उसी का करता था, अब प्रॉपर यहाँ की भी मॉनिटरिंग करेगा और यहाँ की भी मॉनिटरिंग करेगा। आपको याद होगा पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया, वहां पर चुनाव कराने की बात की जा रही है इसी ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसीलिए अब इसका प्रतिउत्तर में भारत सरकार की ये योजना है पूर्वानुमान की। ठीक है भाई, मौसम से संबंध। नेक्स्ट देखिए चाइना, चाइना ने क्या किया, एक रॉकेट लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5B। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है विश्व में या अभी स्टैंड करते हैं, एक है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि बहुत सारे देशों का संगठन है, भारत देश शामिल नहीं है, ठीक याद रखिएगा, और एक है कौन सा, तियांगोंग किसका है भाई, चाइना का है। तो ये तियांगोंग में लोगों को ले जाने के लिए, सामान को ले जाने के लिए ये लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, इसे चाइना के द्वारा छोड़ा गया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा नासा के द्वारा स्पेस एक्स और बोइंग से समझौता किया गया है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सामान लाने और व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए। तो चाइना देखिए अपने आप में इतनी सारी चीजें कर ले रहा है। बीजिंग इसकी राजधानी है, रेंडमिनवी इसकी करेंसी और शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति है। नेक्स्ट देखिए विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में एक अत्यंत ही दुखद घटना सामने आई, गैस लीक की घटना सामने आ गई है विशाखापट्टनम में। एक कंपनी है LG पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड से एक गैस का रिसाव हो गया, जिसका नाम स्टीरीन है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, ये हजार बार आपसे पूछी जाए कि स्टीरीन की कौन सी गैस निकली थी, स्टीरीन निकली थी, है ना। अब ये जो है इसका आपका नाम भी पूछा जा सकता कंपनी का, LG पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड, ये किसकी कंपनी है, ये LG केमिकल साउथ कोरिया की एक कंपनी है, उसी की एक क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। आपको पता है 10 जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां है उसमें से एक कंपनी है LG केमिकल्स, और उसी की एक कंपनी है LG पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर ये दुर्घटना घटी है। कहां पर घटी है भाई, विशाखापट्टनम में घटी है ना। 11 के आसपास लोग मर चुके हैं और काफी सारे लोग संक्रमित भी उससे हो गए, मतलब उन्होंने क्या कर ली, गैस को इनहेल कर लिया। स्टीरीन गैस काफी क्या होती है, रंगहीन होती है, किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता और हल्की मीठी सी लगती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और आपको पता होगा भोपाल गैस त्रासदी की घटना बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है, 2 से 3 दिसंबर 1984 की घटना, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC की गैस का रिसाव हुआ था, हजारों लोग काल कवलित हो गए थे। इसके अलावा आज निधन हो गया है रॉब गिब्स का, जाने माने डायरेक्टर है और पिक्चर एनिमेटर की कहानियां लिखा करते थे, बहुत फेमस थे। अतः अगर आपको वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।